प्रिय दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस सम्मान प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए दोस्तों धन्यवाद। आप लोग यही स्नेह प्यार मुझको देते रहें। मेरा भी पूरा प्रयास है कि आपको अधिक से अधिक कुंडली का ज्ञान प्राप्त करूँ। आप इस छोटे छोटे प्रोग्राम के माध्यम से अपनी कुंडली देखने खुद ज्ञाता हो जाए। आज मित्रों का फरमाइश आया है, राहु ग्रह कुंडली के किन किन भाव में अधिक खराब होता है एवं क्या हानि पहुंचाता है, इसको आप सुनिए। जिसके कुंडली में लग्न में राहु बैठा हुआ है, इसकी इनको ऐसे लोगों को मानसिकता परेशानी रहता है, सोच गंदी होती है, कार्य करने की इच्छा नहीं होती है, दिमाग स्थिर नहीं रहता, चलावान रहता है। जिसके कुंडली में चौथे भाव में राहु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग पारिवारिक जीवन इनका अवरोध होता है, मेहनत का सही लाभ नहीं मिलता है, बने हुए कार्य में रुकावट आता है, कोई भी काम इनका विलंब से होता है, संघर्ष इनको जीवन में अधिक करना पड़ता है। जिसके कुंडली में लग्न से सातवें भाव में राहु बैठा हुआ है, इनके शादी विवाह में रुकावट लाता है, इच्छानुसार शादी नहीं होता है, आर्थिक परेशानी रहता है, कर्जों में डाल देता है। जिनके कुंडली में आठवें भाव में राहु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग उदर रोग से पीड़ित रहते हैं, स्वास्थ्य इनकी सही नहीं रहती है और व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में इनके विवाद बना रहता है। जिसके कुंडली में नौवें भाव में राहु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग नौकरी बेरोजगार रहते हैं, नौकरी में सफलता नहीं मिलती है, व्यापार में घाटा खाते हैं, राजनीति में असफल रहते हैं, ऐसे लोग का अधिकांश जीवन संघर्ष में व्यतीत होता है। जिसके कुंडली में लग्न से दसवें भाव में राहु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग कमाए हुए धन बर्बाद कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति कर्जे के कारण इनकी सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद होती है, ऐसे लोग कम परिश्रम में अधिक कमाने के प्रयास में कमाए हुआ धन भी बर्बाद कर देते हैं और विवादों में रहते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग के चौथे पन अच्छे नहीं जाते हैं, ऐसे लोग के संतान के विचारों से मतभेद रहता है, संतान सुख में रुकावट लाता है, ऐसे लोग आखिरी समय में कर्जे में डूबे रहते हैं, जीवन में विवादों में रहते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने राहु के बारे में प्रस्तुत किया। फिर से आप एक बार ध्यान दीजिए, ये वीडियो उसी भाव का है जहाँ राहु अधिक खराब होता है। जिस भाव के बारे में मैं नहीं बताया हूँ, उस भाव में राहु अच्छा होता है। हमारे प्रत्येक वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। ये फ़ोन नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि किसी मित्र को अगर अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना है तो मुझसे संपर्क करिए, उसके लिए आपको कुछ फीस देना होगा, फीस अगर देंगे तो मैं पूरा विवेचन कर दूँगा। इतना कहते हुए वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, नमस्कार।